सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पूर्वांचल देसी फार्म। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूर्वांचल देसी फार्म का बैनर है। यहाँ पे आप लोगों को देसी अंडे, चूजे और मुर्गे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए कैरी, निर्भीक, ब्लैक एस्ट्रोलार्ब, सोनाली, डबल FG, ट्रिपल FG और कड़कनाथ और RIR के चूजे आप लोग को उचित रेट पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम अपने फार्म को कैसे मैनेज करते हैं, आइए आप लोग को दिखाते हैं पूरा अंदर तक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एजोला की फार्मिंग की गई है, जिससे कि अंडे और मीट की क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की होती है, क्योंकि हम लोग नेचुरल फीड मुर्गियों को कराते रहते हैं। 50 ग्राम पर चूजे के हिसाब से हम लोग इसको डालते रहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतने बड़े तालाब में ये पूरा एजोला लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग इसको हरे चारे के रूप में मुर्गियों को खिलाते रहते हैं, क्योंकि इसमें लिग्निन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन 30% से अधिक ही पाया जाता है, जो कि लिग्निन की मात्रा कम होने के कारण ये मुर्गियों को पचाने में कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे भाई साहब हैं ऋषिकेश निषाद जी, ये एजोला को हार्वेस्ट कर रहे हैं। अभी ये मुर्गियों को खिलाएँगे और अभी जैसे ही ये मुर्गियों को खिलाएंगे अभी हम आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए डायर निकाल के ये इस टब में रख रहे हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाई हमारे कहते हैं कि अगर ये एजोला को हम लोग तालाब में से निकालते हैं तो उसको 2-3 बार धुलना पड़ता है। धुलना इसलिए पड़ता है, जिस पॉन्ड में आप लोग गोबर का इस्तेमाल किए रहेंगे उसमें आप लोग उसको 2-3 बार धुलने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें स्मेल आती है जिससे कि मुर्गियाँ खाना उसको पसंद नहीं करती हैं। अब आइए हम आप लोग को डायरेक्ट ये हार्वेस्ट किए हैं इसको हम दिखाते हैं कैसे मुर्गियाँ खाती हैं इसको। ये देख लीजिए यहाँ पे प्लास्टिक का बोरा बिछा रहे हैं, इसी पे ये इनको फिट कराएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं इनको, देखिए यहाँ पे इस बाड़े में कैरी, निर्भीक और ब्लैक एस्ट्रोलार्ब के चूजे पड़े हुए हैं। कैरी निर्भीक जो कि असील प्रजाति का क्रॉस है, जो कि ये लड़ाकू प्रजाति का होता है। ये गांव में कुत्ते, बिल्ली और चूहे आदि से अपने आप की रक्षा बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये किस तरह से इसको खा रहे हैं। धीरे धीरे अभी हम लोग हैं तो इसमें थोड़ा सा ये लोग डर रहे हैं, मगर ये सारे एक पास आ गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लोग कैसे एजोला फिट कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों जगह। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोनाली ब्रीड के बर्ड हैं, ये इनको हरा चारा डाला जा रहा है। ये ब्लैक एस्ट्रोलार्ब है जो कि अंडे पे है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ब्लैक एस्ट्रोलार्ब की मुर्गियाँ हैं जो कि फुल मैच्योर हो चुकी हैं और अंडे पे आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एजोला फीडिंग कर रही हैं सारी मुर्गियाँ। वहाँ पे अभी हम लोग इस बाड़े में हैं तो थोड़ा ये डरी सहमी महसूस कर रही हैं अभी, तभी ये उसको खाने का प्रयास कर रही हैं, देख सकते हैं आप लोग। और वहाँ पर देख सकते हैं जो पहले हम लोग डाले थे वहाँ पर कितना ज़बरदस्त फीडिंग कर रही हैं। आइए यहाँ पे बात करते हैं इस फार्म के ऑनर से। तो देखिए ये ऋषिकेश निषाद जी हैं, अब आइए कुछ जानकारी इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ये हरा चारा ऋषिकेश जी आप इनको कब से दे रहे हैं? ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तकरीबन आज 10 दिन से दे रहे हैं। अच्छा, 10 दिन से। तो इसको हरे चारे को देने से क्या फ़ायदा होता है? इसमें दाने का बचत होता है और प्रोटीन भी मिलता है और कैल्शियम भी है इसमें, खिलाने से मीट के लिए और अंडे के लिए जो उसका अंडा रहेगा वो अच्छा क्वालिटी इसकी अच्छी हो जाती है। अच्छा, तो ये मतलब एजोला
है जिसको हाँ। हरा सोना बोलते हैं हाँ। तो आप अपने देसी पोल्ट्री फार्म का जो बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ये मतलब हरा चारे के रूप में आप एजोला का प्रयोग करते हैं हाँ। अच्छा, जो भी हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया उनको अपना नाम पता बताने का प्रयास करें कि जो भी किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहें यहाँ पे आके आप जो इस प्रकार की फार्मिंग कर रहे हैं उसको देख सके, समझ सके और जानकारी प्राप्त कर सके। अगर कोई किसान भाई आता है तो आपको कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। हाँ, तो फिर अपना परिचय थोड़ा बता दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम ऋषिकेश है, गोरखपुर से बोल रहा हूँ। इस समय फार्म डांगी पार में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो बैनर पे एड्रेस दिया गया है यही एड्रेस है, यही मोबाइल नंबर है? हाँ जी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो पता दिख रहा है, ग्राम लालपुर टीकर टोला खंतापा नियर डांगीपार गोरखपुर। तो ये गोरखपुर में देसी पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करते हैं। अगर किसी भी किसान भाई को देसी पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है या किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो आप लोग ऋषिकेश निषाद जी से संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी भी हमारे किसान साथी को अगर एजोला बीज चाहिए तो आप इसको उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं। अच्छा अच्छा, संपर्क करेंगे तो। अच्छा, कैसे क्या भेजना है उसका डिटेल उनको बता देंगे? हाँ, बता देंगे। चलिए ठीक है, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मतलब जो भी किसान भाई देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं उनके लिए कम से कम इतना सोचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।